नमस्कार दोस्तों, एकेटी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यदि आप अपना मकान बनाने वाले हैं या आपका मकान का काम चल रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज हम इस वीडियो पर यह जानेंगे कि रेत की क्वालिटी को यदि हमें परखना है या जांचना है कि हमारा रेत जो हमारे पास है और जिसका उपयोग हम अपने घर बनाने में कर रहे हैं तो वो कैसे चेक करें। दोस्तों, आप इसको अपने घर पे कुछ सामग्री का इस्तेमाल करके ही आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, यह जानते हैं कि रेत की क्वालिटी कैसे चेक करें। हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें लगने वाली हैं, पहले दो कांच की ग्लास है, एक वॉशिंग पाउडर है, पानी की एक बॉटल है, साथ में दो अलग अलग जगह से लिए हुए रेत के सैंपल है। पहला वाला सैंपल एक और दूसरा वाला सैंपल दो, साथ में एक उसकी हाइट को नापने के लिए एक स्केल है। तो अभी हम इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि जो सैंड की क्वालिटी है वो कितनी बेहतर है, तो ये जानने के लिए आइए हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। शुरुआत करने से पहले जब आप देखोगे तो आप इसको अपने हाथ पे, दोनों सैंपल को अपने हाथ पे ले लो, और हाथ पे लेने के बाद थोड़ा सा उसे हाथ में ही थोड़ा उसे मिक्स करने की कोशिश करें, और उसके बाद इस सैंपल को आप अपने हाथ से छोड़ दो। हाथ से छोड़ने के बाद बिना हिलाए आप अपने हाथ को दिखाएं तो आपके हाथ में दोनों में काफ़ी अंतर दिख रहा है। एक में आपको क्ले की मात्रा नज़र आ रही है, दूसरे में क्ले की मात्रा कम नज़र आ रही है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है ये जानना। इसके लिए आपको अब ये क्ले की जो मात्रा है वो कितनी है ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप ये दोनों जो रेत के सैंपल हैं हम इस कांच की ग्लास पर डालने वाले हैं। तो पहले आप पूरा सैंपल, आप पूरा मटेरियल डाल दो, पूरा रेत एक ही बार में कागज़ से उठा के। जो सैंड की मात्रा है इसको हमने पहले वाले सैंपल के ग्लास में इसे हम डाल देंगे, पूरा डाल देंगे। ये देखिए आप, इसमें कुछ क्ले की मात्रा नज़र आ रही थी लास्ट में। इसी तरीके से हमने दूसरा सैंपल भी उठाया और एक ग्लास में हमने डाल दिया। अब दोनों जो सैंपल है इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी के लिए हमारे पास बोतल में भरा हुआ पानी है, साफ पानी को आप इसमें इस्तेमाल करें। दोनों में हम पानी को ऊपर तक भर देंगे ग्लास के, थोड़ा सा छोड़ देंगे, मतलब पूरा ऊपर टॉप तक ना डाल के। थोड़ा और ऊपर जाने दो और पानी डालो, दूसरे ग्लास में भी इतना ही पानी डाल दें। पानी हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप क्ले को रेत से हटाया जा सके। थोड़ा और पानी, दोनों में थोड़ा और पानी भर दो ऊपर तक, बस हो गया। उसमें भी डाल दें, हाँ बस हो गया। अब इसमें हम ये करेंगे कि इसमें जो हमारे पास वॉशिंग पाउडर है, घड़ी वॉशिंग पाउडर, इस वॉशिंग पाउडर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो एक चुटकी इसको हम लेंगे और इतना ही हम एक सैंपल में डाल देंगे, आधा इसमें डाल देंगे। इसका उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉशिंग पाउडर से जो क्ले होता है वो काफ़ी आसानी से अलग हो जाता है। तो अभी सैंड में जो भी क्ले होगा वह हट जाएगा। इसको हम चम्मच की मदद से या हम स्केल की मदद का उपयोग कर रहे हैं, इस स्केल की मदद से इसे स्केल को गोल गोल घुमाएंगे अंदर डालने के बाद, तो उससे ये होगा कि जो भी मिट्टी है वो पानी में बड़ी आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि इसमें वॉशिंग पाउडर है जो रेत को मिट्टी के साथ बिल्कुल हटा देगा। अच्छी तरीके से इसे हम इसे मिक्स करना है। यही प्रक्रिया हम दूसरे वाले सैंपल में भी करेंगे, सैंपल नंबर टू पे। क्योंकि इसमें रेत के थोड़े दाने बड़े हैं जिस वजह से अजीब सी आवाज़ आ रही है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि पानी में जो भी मिट्टी है रेत में वो घुल जाएगा। दोनों को मिक्स करने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे कि 10 मिनट कम से कम हम इसका वेट करेंगे, ताकि इसमें पानी जो है वो मिट्टी के साथ उसमें घुल जाए और एक सेट हो जाए। तो थोड़ा 10 मिनट आप इसमें इंतज़ार कर सकते हैं। इंतज़ार करने के बाद हम देखेंगे कि पानी किस तरीके से मिट्टी को अलग करता है।
स्टार्ट करूँ? पहले वाले सैंपल में हम देखेंगे कि जहाँ पे तली है वहाँ से हमने स्केल को रखा हुआ है, और स्केल का अगर हम ध्यान से अगर हम देखें तो इसकी कुल जो ये रेत वाली जो ऊंचाई है और इसके ऊपर जो क्ले की ऊंचाई है, इन दोनों ऊंचाई को अगर हम एक साथ देखें तो वो ऊंचाई कितनी हो रही है? जो कुल ऊंचाई है वो 54 mm है। कुल ऊंचाई 54 mm है और उसमें क्ले की ऊंचाई कितनी है सैंपल वन पे? मिट्टी की मात्रा दिख रही है वो 2 mm की है। 2 mm की है, तो ये आप ये देख रहे हैं कुल ऊंचाई जो है वह 54 mm की है और सिर्फ क्ले की जो ऊंचाई है वह 2 mm की है। इसी तरीके से हम दूसरे सैंपल में भी मिट्टी की हाइट नापेंगे। अभी पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको करने के लिए कम से कम 6 घंटे 7 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी भी फिर भी हमें नज़र आ रहा है काली कलर की लेयर क्ले वाली। इसकी दूसरे सैंपल में कुल कितनी ऊँचाई हो रही है? इसकी कुल ऊँचाई है 71 mm। 71 mm हो रही है कुल ऊंचाई, और क्ले की ऊंचाई कितनी है? और क्ले की जो ऊंचाई दिख रही है, मिट्टी की जो ऊंचाई है वो 4 mm की है। 4 mm की है। अब हम ये दोनों डाटा को हम परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि कितना परसेंटेज किस सैंड में है। पहले वाले सैंपल में हम जो क्ले की मात्रा है वो कितनी मात्रा है उसको नोट करेंगे, तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए हमारे क्ले पर जितनी भी ऊँचाई आ रही थी वो ऊँचाई को लिखेंगे और उसमें कुल ऊँचाई कितनी है वो नोट करेंगे और उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमें इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपने देखा था पहले सैंपल में 2 mm क्ले की मोटाई थी और कुल जो ऊंचाई थी वो थी 54 mm की, इसमें हमने 100 का गुणा कर दिया तो ये जो हमें निकल के आ रहा है कि क्ले की मात्रा कितनी है, तो वो क्ले की मात्रा को हमने देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया कैलकुलेटर का, और वो देख रहे हैं कि कितना है, तो इसमें आ रहा है 3.7%। इसका मतलब 3.7% इसमें क्ले है पहले वाले सैंपल में, और दूसरे वाले सैंपल में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना हम देखेंगे कि इसमें क्ले की मात्रा कितनी थी। तो दूसरे वाले सैंपल में क्ले की मात्रा को पहले हम लिख लेंगे 4 mm की है, और उसकी कुल ऊंचाई जो क्ले और रेत की थी वो 71 mm की थी। इसमें 100 का गुणा किया तो हमने इसमें परसेंटेज देखते हैं कितना हुआ। फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट। मतलब आप देखेंगे कि इसमें लगभग 5.5% क्ले की मात्रा है दूसरे सैंपल में, और पहले वाले सैंपल में 3.5 के आसपास है। मतलब पहला वाला सैंपल ज़्यादा अच्छा है हमारे मकान के निर्माण के लिए, जबकि वहीं दूसरा वाला जो सैंपल था उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा है। तो आपने पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जो क्ले की मात्रा है वो अलग अलग निकल के आती है। आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि यदि क्ले की मात्रा 8% या 8 से ज़्यादा आती है तो आप ऐसे रेत का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, वह आपके मकान को मजबूत ना बना के बहुत कमज़ोर बना देगा। और यदि वही क्ले की मात्रा यदि 5% 4% की आती है तो आप ऐसे रेत का इस्तेमाल आग बंद करके भी कर सकते हैं, वह रेत बेहतर क्वालिटी का है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।